नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नॉर्थ इंडिया में पार्टी एवं शादियों में चाट के साथ सर्व की जाने वाली स्वादिष्ट चटनी बनाना सीखेंगे। इस चटनी को बनाने के लिए हम प्लम यानी कि आलू बुखारा का उपयोग करेंगे। अभी बारिश के मौसम में आपको इस प्रकार के आलू बुखारे मार्केट में 100 से 120 रुपये किलो मिल जाते हैं और उसके अंदर विटामिन्स और पोषक तत्व बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अभी मैंने 250 ग्राम अच्छे से पके और बड़े हो वैसे आलू बुखारे को पानी से धोकर अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब चाकू की मदद से उसके मीडियम साइज के टुकड़े करेंगे। जब भी आप चटनी बनाने के लिए मार्केट से आलू बुखारे लाए, तब वो इस प्रकार के बड़े और थोड़े सख्त हो वैसे ही ले, क्योंकि इस प्रकार के आलू बुखारे स्वाद में खट्टे मीठे होते हैं। अगर आप ज़्यादा नरम आलू बुखारे लाओगे तो वो स्वाद में मीठे होते हैं और मीठे आलू बुखारे की चटनी उतनी अच्छी नहीं बनती। इस प्रकार के सारे आलू बुखारे को हम काट कर उसके अंदर जो बीज है उसे अलग करेंगे। जिन लोगों को इमली और आम की चटनी से परहेज होती है, वो इस प्रकार से आलू बुखारे से बनी हुई चटनी खा सकते हैं। उत्तर भारत में पार्टी एवं शादियों में चाट के साथ इसकी चटनी सर्व की जाती है, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाने की विधि भी काफ़ी सरल है। इस प्रकार से बारी बारी हमने सभी आलू बुखारे को मिक्सी जार में काट लिया है। अब ढक्कन लगाकर उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। एक नॉनस्टिक पैन में एक टेबलस्पून वाटरमेलन सीड्स ले और उसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भून ले। बीज थोड़े फूटने लगे तब तक ही हमें उसे भूनना है। वाटरमेलन सीड्स की जगह आप खरबूजे के छिले हुए बीज का भी उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मीठी चटनी बनाते वक्त उसमें इस प्रकार के बीज अगर ऐड किए जाए तो चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। धीरे धीरे बीज फूटने लगे हैं, उसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दे। हमने जो आलू बुखारा का पल्प तैयार किया था उसे पैन में ऐड करें। थोड़ा पल्प मिक्सी जार में चिपका हुआ है, इसलिए उसमें 1/4 कप जितना पानी डालकर उसे भी पैन में ऐड करें। अब गैस की फ्लेम ऑन करें और लो टू मीडियम फ्लेम पर पल्प को हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से पकाएंगे। स्पैचुला की मदद से उसे चलाते रहे ताकि वो नीचे चिपके नहीं। चटनी को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें 2 चम्मच किशमिश ऐड करें। इस तरह से किशमिश को पल्प के साथ कुक करने से वो अच्छे से फूल जाएगी। किशमिश की जगह आप खजूर के टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ हो तो आप किशमिश को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम उसमें सब मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च की जगह आप रेगुलर लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 1/2 चम्मच जितनी हींग और चुटकी भर गरम मसाला ऐड करें। उसके साथ हम 1/2 चम्मच सौंठ का पाउडर ऐड करेंगे। ये पाउडर घर पर कैसे तैयार किया जाता है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। स्वादानुसार नमक और 1/2 चम्मच जितना काला नमक ऐड करें और सभी मसालों को पल्प के साथ अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकाएं। सारे मसाले पल्प के साथ अच्छे से भून जाए तब तक हमें कुक करना है। सारे मसाले पल्प के साथ अच्छे से कुक हो जाए फिर हम उसमें 4 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ की जगह आप स्वादानुसार शक्कर भी ऐड कर सकते हो और 1/2 गुड़ और 1/2 शक्कर वैसे भी ले सकते हो। अगर आप मार्केट से आलू बुखारे लाते हैं और वो स्वाद में अधिक मीठे हैं तो आप टेस्ट को बैलेंस करने के लिए चटनी बनाते वक्त उसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और चटनी की कंसिस्टेंसी मीडियम थिक हो तब तक हमें उसे कुक करना है। 2 मिनट तक कुक करने के बाद सारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और चटनी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की मीडियम थिक रखे, क्योंकि जैसे चटनी ठंडी होगी वैसे वो अधिक गाढ़ी हो जाएगी। अब गैस की फ्लेम बंद करें और हमने जो मेलन सीड्स भून कर रखे थे उसे चटनी में ऐड करके अच्छे से मिक्स करें। इस प्रकार से बनाई हुई आलू बुखारा की चटनी आप 8 से 10 दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको
इसे लंबे समय तक स्टोर करना हो तो चटनी जब रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाए फिर उसमें एक चम्मच जितना एप्पल साइडर विनेगर ऐड करके उसे 3 से 4 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट आलू बुखारा की चटनी बनकर तैयार है। तो दोस्तों आप भी ये चटनी घर पर अवश्य बनाएं, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।